गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू सेंट विल्फ्रिड ऑनलाइन क्लासेस। मैं गौरव कुमार व्यास, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम बात करेंगे टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा और जाना होगा। बहुत लोगों को लगता है कि क्या होता है, किस तरीके से होती है टोपोलॉजी। तो फर्स्ट हम वर्ड के ऊपर फोकस करें, टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी मीन्स द डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क, डिजाइन ऑफ नेटवर्क, डिजाइन ऑफ नेटवर्क। टोपोलॉजी मीन्स डिजाइन ऑफ नेटवर्क, यानी हम हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को किस तरीके से डिजाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। क्योंकि हम नेटवर्क को डिजाइन कर रहे हैं इसलिए ये कहलाती है नेटवर्क टोपोलॉजी, द डिजाइन ऑफ नेटवर्क। अब टोपोलॉजी में भी ही टू फॉर्म्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज फिजिकल टोपोलॉजी, फिजिकल टोपोलॉजी, एंड सेकेंड वन इज लॉजिकल टोपोलॉजी, लॉजिकल टोपोलॉजी। अब दोनों में अगर हम डिफरेंस जानना चाहें, जनरली हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं फिजिकल टोपोलॉजीज, चाहे वो स्टार हो, चाहे मैश हो, चाहे रिंग हो, चाहे बस, कोई भी टोपोलॉजी का जो हम नाम लेंगे वो कहला, जनरली हम बोलते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल दैट मीन आपको जो एक्चुअल दिख रहा है, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊं कि ये अगर मेरा एक हब है और अगर इस हब से मैंने चार नोड्स, नोड वन, नोड टू, नोड थ्री, इनको कनेक्ट किया हुआ है, तो ये समथिंग लाइक दैट किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, स्टार के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो ये टोपोलॉजी हो गई स्टार टोपोलॉजी। लेकिन कई बार जो टोपोलॉजीज होती हैं जैसी हम फिजिकली देखते हैं उस तरह से वर्क नहीं करती हैं, वो टोपोलॉजी कहलाती हैं आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी। यानी वो दिखने में आपको स्टार टोपोलॉजी दिखाई देंगी लेकिन जो वर्क है वो अदर टोपोलॉजी की फॉर्म में करेंगी, वो कहलाती हैं आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी। या वो आपको दिख स्टार रही हैं, वर्क कर रही हैं बस टोपोलॉजी के बिहाफ पे या रिंग टोपोलॉजी के बिहाफ पे, ये चीज़ कहलाती है आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि फर्स्ट थिंग होती है एक फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। जनरली हम बात करते हैं फिजिकल टोपोलॉजी की क्योंकि जो फिजिकली हम देखते हैं या जिस तरीके से हमें नेटवर्क हमारा दिखाई देता है वो कहलाती है आपकी फिजिकल टोपोलॉजी। लेकिन अगर जो हमें दिख रहा है लेकिन टोपोलॉजी हमारी उससे डिफरेंस है तो वो कहलाती है आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी, जो कि लॉजिक के बेस पे वर्क करती है। फॉर एग्जांपल अगर सीधी सी हम बात करें तो लॉजिकल जो टोपोलॉजी है, लॉजिकल टोपोलॉजी में सपोज मैंने अगर बस टोपोलॉजी ऊपर से मुझे दिखाई दे रही है लेकिन वो वर्क किसकी तरह कर रही है, स्टार की तरह, तो ये इस टाइप से जो टोपोलॉजी हमें शो होती है वो कहलाती है हमारी लॉजिकल टोपोलॉजी। तो इससे आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें फिजिकल टोपोलॉजी या टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, ये अभी हमने देखा दो तरीके से हम टोपोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपकी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। जनरली हमारे पास सिक्स टाइप्स की टोपोलॉजीज होती हैं। सिक्स टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, आपकी ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, इसके बाद में अगर हम बात करें रिंग टोपोलॉजी, एंड देन लास्ट स्टार टोपोलॉजी। ये हमारी छह टोपोलॉजीज हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर कि किस तरीके से ये टोपोलॉजीज वर्क करती हैं, किस तरीके से इनकी डिज़ाइन होती है, लेआउट होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी मेनली छह टोपोलॉजी है जिनमें भी अगर हमारे अगर इस करंट सिचुएशन या करंट टाइम को देखा जाए कंप्यूटर के इस सिनेरियो में तो सबसे ज़्यादा हम जनरली जो यूज करते हैं वो हम स्विचेज से यूज करते हैं, स्विच यूज किया और स्विच से हमने आगे एक एक सेंट्रलाइज स्विच लिया जिससे हम काफ़ी सारे लेंस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टोपोलॉजी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैश टोपोलॉजी के बारे में। मैश टोपोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है, कैसा इसका डायग्राम दिखता है,
वो सारी चीज़ें हम मैथ टॉपोलॉजी के अंदर बात करेंगे। तो अगर हम स्वरूप में एक डायग्राम बना लेते हैं, जिससे हमें सपोज है ये हमारा एक सिस्टम है, एक सिस्टम ये, एक सिस्टम हमारा ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, ये हमारे सिस्टम्स है। तो ये हमारे पांच नोड्स हैं, N1, N2, N3, N4 एंड N5। ये हमारे पांच सिस्टम्स हैं। अब ये पांचों सिस्टम्स, ये पांच नेटवर्क में हमारे सिस्टम हैं, इन सिस्टम्स को किस तरीके से हमें कम्युनिकेट करना है। तो अगर हम बात करें, अगर हम N1 को N2 से बात करनी है तो ये इनके लिए एक लाइन होती है। इसी तरीके से N2 को N3 के लिए बात करें, N3 N4, N4 से N5 और N5 से N1, ये इस तरीके से हमारी एक एक डेडिकेटेड लाइन है। लेकिन अगर N1 को N3 से काम करना है, ये अलग से इसके लिए एक डेडिकेटेड लाइन होगी, N4 के लिए अलग से डेडिकेटेड लाइन होगी। इसी तरीके से N2 की बात करें तो N2 के लिए, N5 के लिए अलग से डेडिकेटेड लाइन, N4 के लिए अलग से डेडिकेटेड लाइन। अगर N3 की बात करें तो N5 के लिए अलग से डेडिकेटेड लाइन। तो एवरी नोड हमारा दूसरे नोड के साथ एक डेडिकेटेड लाइन के साथ कनेक्ट होता है। डेडिकेटेड लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर, मैश टॉपोलॉजी के अंदर, कि ईच कंप्यूटर कनेक्ट टू एवरी अदर PC विद ए डेडिकेटेड लाइन। अब डेडिकेटेड लाइन का मतलब समझिए कि N1 N2 के साथ सिर्फ एक डेडिकेटेड लाइन के साथ कनेक्टेड है, ये जो लाइन है। N1 N5 के साथ सिर्फ एक डेडिकेटेड लाइन है, यानी जो N1 और N5 के बीच बात हो रही है वो बिल्कुल सिक्योर प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है। N1 N5 से क्या बात कर रहा है, किस तरीके से उसके बीच आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, वो ना तो N2 को मालूम होता है, ना N3 को मालूम होता है, ना N4 को मालूम होता है। तो सिंपल वे में अगर बोलें तो जो ये डेडिकेटेड लाइन वाला कंसेप्ट है वो मैश टेक्नोलॉजी के अंदर होता है। मैश हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर ये तो हमने सिर्फ 5 नेटवर्क्स या 5 नोड्स का सिस्टम बनाया, अगर सपोज करो 100 सिस्टम हो और 100 सिस्टम हर किसी के लिए लाइनिंग के साथ कनेक्टेड हो, तो कितना ज़्यादा एक मैशी प्लेटफॉर्म हमें दिखेगा, मैशी वायर्स का मैश हमें दिखेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैश टॉपोलॉजी कहते हैं। इसके बाद में इसके क्या, ये ज़्यादातर पॉपुलर है वैन के अंदर, जब वाइड एरिया नेटवर्क की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम मैश टॉपोलॉजी का यूज करते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो एक डिसएडवांटेज बोलते हैं, इसके अंदर वायरिंग की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया ये तो 5 नेटवर्क है, जिसमें भी हमें सपोज इसमें 8 या 10 या 15 या 20 अगर नोड्स हों और उनको आपस में मैं इस तरीके से वायर्स के साथ ऐड करूं, तो एक अगर अपन फिजिकल भी अगर डायग्राम बना के देखें तो बहुत ज़्यादा मैशी सा हमें डायग्राम शो होगा। तो सपोज अगर हम 100 कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो जो वायरों का मैश है वो हमें शो होगा, और वो हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सा नोड किस नोड से किस वायर के थ्रू कनेक्टेड है। तो एक वायरिंग कॉम्प्लिकेशंस है। अगर इसके बाद में ये जो मैश टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है स्मॉल नेटवर्क्स के लिए, स्मॉल नेटवर्क्स 3 PC 4 PC मैक्सिमम 5 PC 10 PC वहाँ तक इसको हम इजी गोइंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस लाइन में हमें दिक्कत हो रही है, कौन से वायर से हमें इशू है, या कहाँ पे कौन सा वायर या कौन सा जो लाइन है वो वर्क नहीं कर रही है। क्योंकि इसमें सिंपल सा है, N1 N5 से उनके बीच में कम्युनिकेशन करना नहीं हो रहा है, तो N1 से N5 के बीच की केबल को हमने आइडेंटिफाई किया और केबल को आइडेंटिफाई करके उसको रिप्लेस कर दिया। तो जो स्मॉल नेटवर्क से उनके लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी टॉपोलॉजी है मैश टॉपोलॉजी। इसके बाद में इसके अंदर एक राउटर के लिए, राउटर में का यूज किया जाता है इस टॉप, राउटर्स का बहुत ज़्यादा यूज है इस टॉपोलॉजी के अंदर, क्योंकि राउटर्स क्या करते हैं, एक सिक्योर प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं। राउटर्स का मेन काम क्या है, रूट प्रोवाइड कराना, एक नोड को दूसरे नोड तक जाने के लिए जो कम्युनिकेशन रूट है वो प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। इस टॉपोलॉजी की कॉस्ट बहुत हाई होती है क्योंकि इसमें वायरिंग बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हाई लेवल की रिटेंडेंसी इसके अंदर मिलती है मैश टॉपोलॉजी के अंदर। तो दोस्तों मैश टॉपोलॉजी आई होप आपको समझ में आई हो। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट टॉपोलॉजी की बात करें, मैश टॉपोलॉजी के बाद में अगर हम बात करें बस टॉपोलॉजी, अभी तक हमने कौन सी टॉपोलॉजी पढ़ी, मैश टॉपोलॉजी हमारी हो गई है। नेक्स्ट टॉपोलॉजी की अगर हम बात करें तो बस टॉपोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है। बस टॉपोलॉजी के अंदर एक सिर्फ एक डेडिकेटेड लाइन होती है, और इस डेडिकेटेड लाइन पे
टी कनेक्टर्स के थ्रू, टी कनेक्टर्स के थ्रू सिस्टम्स हमारे जुड़े होते हैं। ये जो आपको डार्क सर्किल में देख रहे हैं ये क्या है, हमारे टी कनेक्टर्स। इन टी कनेक्टर्स के थ्रू हम सिस्टम्स को एड ऑन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को, और जो भी इस तरीके से हमारी बस टोपोलॉजी हमें शो होती है, ये हमारे नोड एन वन, एन टू, एन थ्री, एन फोर एंड एन फाइव, ये हमारे नोड्स हैं। और ये हमारी एक डेडिकेटेड लाइन है, ये एक सिर्फ डेडिकेटेड लाइन चलती है, इसमें कोई हमारे डेडिकेटेड डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। ये इस एक लाइन के थ्रू हम काफ़ी सारे टी कनेक्टर्स के थ्रू हमारे नोड्स को हम कनेक्ट करते रहते हैं, और इन कनेक्ट कर ये सिक्योर नहीं है, क्योंकि जो भी मैसेज पास होगा इस लाइन के थ्रू वो हर नोड को जाएगा। अगर मैं कोई मैसेज इस लाइन से पास करता हूँ तो वो मैसेज एन वन नोड पर भी जाएगा, एन टू नोड पर भी जाएगा, एन थ्री नोड पर भी जाएगा, एन फोर नोड पर भी जाएगा, एन फोर नोड पर भी जाएगा, एन फोर नोड पर भी वर्क करेगा। तो इसलिए ये क्या है कि सिक्योर नहीं है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि अगर इसके बाद इस जो केबल है, ये हमारी केबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक, क्या बोलते हैं, ट्रंक। और ये जो पॉइंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, टी कनेक्टर। तो ट्रंक, टी कनेक्टर, क्या बोलते हैं, टी कनेक्टर। तो जो ये एक सेंट्रलाइज केबल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक। ये क्या है, इसमें हमें सबसे कम लेस सिक्योर केबल की जरूरत होती है, क्योंकि केबल कम क्यों लगेगी कि एक ट्रंक के थ्रू हमने बाकी सारे नोड्स को टी कनेक्टर के थ्रू जोड़ दिया, तो हमारी जो वायरिंग का जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन ये हमारी सिक्योर नहीं होती, क्योंकि जो भी मैसेज पास हो रहा है वो क्या हो रहा है, हर नोड के पास वो मैसेज जाता है। क्लियर है बस टोपोलॉजी। इसके बाद आते हैं बेटा रिंग टोपोलॉजी। अभी हमने बस टोपोलॉजी की बात करी, इसके बाद आते हैं हम रिंग टोपोलॉजी। क्या होता है रिंग टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी इस तरीके से वर्क करती है। सपोज आपके ये इस तरीके से हमारे नोड्स हैं, ये नोड्स एन वन, एन टू, एन थ्री, एन फोर, एन फाइव, ये हमारे पांच नोड्स हैं। और जो ये जो मैसेज कन्वे होता है वो क्या है, होता है एक रिंग की फॉर्म में होता है, इसलिए हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। अगर अब हम इसको रिंग टोपोलॉजी को अगर आप ध्यान से समझना चाहते हैं तो रिंग टोपोलॉजी के अंदर एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, MSAU, मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट जिसे बोलते हैं। इस यूनिट का मेन वर्क क्या है, किस तरीके से ये काम करती है, ये क्या करती है, जो ये यूनिट है, ये इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर एक टर्मिनोलॉजी चलती है, टोकन्स। जिसके पास टोकन होगा केवल वो ही अपनी बात कह सकेगा। तो इस केस में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है कोई भी मैसेज पास करने। सपोज एन वन नोड के पास टोकन है और एन फोर जो आपका नोड है उसको कोई मैसेज आपको पास करना होता है, तो वो एन फोर मैसेज जब तक पास नहीं कर पाएगा जब तक कि एन वन जो नोड है वो एन थ्री एन फोर के पास यूज नहीं आएगा। तो एन वन नोड पास करेगा टोकन एन टू को, एन टू से एन थ्री, एन फोर, जब एन फोर के पास आएगा जब ही वो मैसेज को अपने को पास कर सकता है, जो भी उसे बात कहनी है अपनी बात को रख सकता है। तो अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरीके से ये मैसेज वर्क करता है पूरा रिंग टोपोलॉजी। देखिए किस तरीके से, MSAU, मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, नोड एन वन, नोड एन टू, नोड एन थ्री एंड नोड एन फोर। सबसे पहले MSAU क्या करेगा, इस एन वन नोड के पास टोकन जाएगा, टोकन भेजेगा, एन वन को जो भी बात कहनी है वो एन टू, एन थ्री, एन फोर, चारों के तीनों के पास चली जाएगी, जो भी बात वो जिससे कहना चाहता है। ये टोकन वापस MSAU के पास आता है टोकन, MSAU इसको क्या करेगा, नेक्स्ट नोड के पास इस टोकन को भेजेगा, नेक्स्ट नोड उसको जो भी बात अपनी रखनी है या जो भी इसको डेटा ट्रांसमिट करना है या जो भी इसको मैसेज पास करना है वो ये मैसेज पास करेगा। टोकन अगेन फिर
MSAU के पास आएगा, MSAU फिर टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा N3 को जो बात करनी हो N3 करेगा। इसी तरीके से ये एक रिंग फॉर्म में चीज़ें चलती रहती हैं, N1 N2 N3 N4 देन N1 वापस N2 N3। तो हर किसी नोड को अपनी बारी आने का इंतज़ार करना पड़ता है अपने टोकन, जब तक उसके पास टोकन नहीं होगा, जब तक वो कुछ भी कहने की कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि जो भी वो मैसेज पास कर रहा है वो उसके पास होगा ही नहीं, क्योंकि MSAU जो मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट है उसने उसको कोई एक्सेस नहीं दे रखा, यानी जिसके पास आपका टोकन होगा उसी को केवल एक्सेस ग्रांट होगा, अदरवाइज उसको एक्सेस ग्रांट नहीं होगा। क्लियर है? रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो मेनली वर्क होता है वो टोकन का होता है, और MSAU क्या काम करती है, ये टोकन के जो कॉलिजन है उसको अवॉइड करने का काम करती है, जो कॉलेजन टोकन का कॉलेजन होने का जो चांस है उसको ख़त्म करके टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, टोकन को स्प्रेड करने का काम करती है, और रोटेशन वाइज ये टोकन एक नोड से दूसरे नोड से तीसरे नोड से चौथे नोड पे ट्रांसमिट होता रहता है। ये चीज़ है आपकी रिंग टोपोलॉजी के अंदर। तो अभी आपने देखा रिंग टोपोलॉजी वैसे दिख रही थी कि हमें रिंग में जा रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये किस फॉर्म में दिखाई दे रही है, स्टार टोपोलॉजी। तो दिस टाइप की जो सिचुएशन होती है ये कहलाती है लॉजिकल टोपोलॉजीज। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट टोपोलॉजी पे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टोपोलॉजी हम लेते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के बारे में बात करें, स्टार टोपोलॉजी अभी तक हमने पढ़ी है मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, देन स्टार टोपोलॉजी। क्या होता है स्टार टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है, ये सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है, ये कुछ भी हो सकता है, आपका हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, राउटर हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, कोई भी एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है, और इस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के थ्रू आपके जितने भी नोड्स हैं, चाहे वो N1 नोड्स हों या फिर N2 नोड, इस तरीके से ये नोड्स हैं, ये आपके कनेक्टेड रहते हैं, तो समथिंग लाइक दैट, ये एक आपके स्टार की फॉर्म में हमें कुछ दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो इसमें क्या होता है कि अगर बाय चांस कोई केबल फेलियर हो जाता है, सपोज अगर ये वाला वर्क नहीं कर रहा है, N2 और इसके बीच में केबल काम नहीं कर रही, तो इस सिस्टम को हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं और डिस्कनेक्ट करके इसको रिमूव कर देते हैं। यानी स्टार टोपोलॉजी को इसलिए सबसे अच्छा माना जाता है, मोस्टली वाइडली यूज होता है, क्योंकि इसमें एनी टाइम हम कभी भी नोड को इंसर्ट करा सकते हैं। सपोज मुझे कोई नोड इंसर्ट कराना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, सेंट्रल डिवाइस के साथ एक वायरिंग कनेक्ट करनी है और मैं एक न्यू डिवाइस को कनेक्ट कर सकता हूं। सपोज मुझे इस डिवाइस को हटाना है, मेरे को कुछ नहीं करना है, इस वायरिंग के साथ में इस डिवाइस को यहां से रिमूव कर देना है, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यानी आपका जो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है वो आपकी सारी चीज़ों को मैनेज करता है। इसमें अगर आपको कोई नया डिवाइस एड ऑन करना है तो आप इजी गोइंग कर सकते हैं, अगर रिमूव करना है तो आप इजी गोइंग रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि जो भी चीज़ हो रही है वो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, जो भी मैसेज पास हो रहा है वो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के थ्रू मैसेज पास हो रहा है, तो हम इसको इस जो है इसको वाइडली यूज्ड है, ठीक है। केवल फेलियर केवल एक सिंगल यूजर को इफेक्ट करता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि केवल N2 के ऊपर अगर कोई इशू था तो वो केवल N2 को ही इफेक्ट कर रहा है, एंटायर सिस्टम को या एंटायर टोपोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लेकिन इन केस अगर सेंट्रलाइज सिस्टम ही हमारा फेल हो जाता है तो उस केस में कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू हमारे ये सारे नोड्स कनेक्टेड है। अगर सेंट्रलाइज तो एक ओनली ऑप्शन हमारे पास रहता है कि हम सेंट्रलाइज डिवाइस को चेंज कर दें। अब ये जो डिवाइस है वो कोई भी हो सकता है, हब, स्विच, रिपीटर। आपने मेरे लास्ट लेक्चर में देखा है कि हमने हब और रिपीटर की बात की थी। हब एक नॉन माइंडेबल डिवाइस है जो कि क्या करता है कि कहीं से भी कोई मैसेज आया उसको सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है, लेकिन स्विच और राउटर के साथ ऐसा नहीं होता, थोड़े से इंटेलिजेंट डिवाइस हम उनको बोलते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी की हम बात कर रहे थे, स्टार टोपोलॉजी में हमने देखा कि कोई भी डिवाइस को हम इजीली कनेक्ट और इजीली हम रिमूव कर सकते थे, यानी केबल फेलियर के टाइम पे ओनली सिंगल यूजर हमारा इफेक्ट जो हमें शो हो रहा था वो हमें शो होता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है और वाइडली यूज्ड है। आज की अगर हम सिनेरियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो टोपोलॉजी यूज होती है वो स्टार टोपोलॉजी यूज होती है। नेक्स्ट अगर हम टोपोलॉजी के बाद में बात करें स्टार के बाद में, तो जो हमारी नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो हमारी है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी के
कोई अलग टॉपोलॉजी नहीं है, सिर्फ ये स्टार प्लस बस टॉपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। स्टार प्लस बस टॉपोलॉजी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? आपकी ट्री टॉपोलॉजी। इसमें सिर्फ दो ही टॉपोलॉजी को हम यूज करते हैं, एक स्टार टॉपोलॉजी और दूसरी बस टॉपोलॉजी। तो इसका डायग्राम जो हमारा बनेगा वो कि समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से बनेगा। ये हमारा कोई सेंट्रलाइज डिवाइस है और इस सेंट्रलाइज डिवाइस से ये एक डेडिकेटेड लाइन जा रही है। इसके अंदर यहाँ टी कनेक्टर्स के साथ, इस ट्रंक के साथ में, इस ट्रंक के साथ में हम अपने नॉड्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारी एक ट्रंक है जिसे हम बोलते हैं लाइन। इस तरीके से हम हमारे डिवाइसेस को, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी हमारे कुछ नोड्स कनेक्टेड है। तो इस तरीके की जो टॉपोलॉजी हमारी शो होती है ये कहलाती है ट्री टॉपोलॉजी। ट्री टॉपोलॉजी क्यों कहलाती है? आपने देखा होगा दोस्तों, पेड़ के अंदर बहुत सारी, एक रूट से अपन निकलते हैं तने के पास से, आगे जाके वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, और उन ब्रांचों में भी बहुत सारी ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। तो अगर मैं इस लाइन के अंदर एक और सेंट्रलाइज डिवाइस लगा दूँ, यहाँ पर मैंने एक और सेंट्रलाइज डिवाइस लगा दिया है, तो यहाँ से फिर मैं वापस डिफरेंट डिफरेंट रूट लेके इस तरीके से मैं इसको शो कर सकता हूँ। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके की जो टॉपोलॉजी है ये हमारी कहलाती है ट्री टॉपोलॉजी। अगर इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी जो टॉपोलॉजी है वो हमारी है हाइब्रिड टॉपोलॉजी। हाइब्रिड टॉपोलॉजी क्या होता है? ऊपर जो एनी फाइव टॉपोलॉजीज है इनको मिक्स करके, अगर इनमें से किसी भी दो या तीन टॉपोलॉजी को हम यूज करके अगर कोई टॉपोलॉजी या कोई डिजाइन को क्रिएट कर रहे हैं, वो कहलाती है हमारी हाइब्रिड टॉपोलॉजी। देखिए किस तरीके से, सपोज ये मेरी एक स्टार टॉपोलॉजी है जिसके अंदर हमारा ये सेंट्रलाइज डिवाइस, कुछ भी सेंट्रलाइज डिवाइस है, ये डिवाइस है मेरा स्टार टॉपोलॉजी को मैंने, ये मेरे पास एक नोड्स है N1 N2, इसके बाद में N3 N4, ठीक। इस सेंट्रलाइज डिवाइस के ये मेरी बस टॉपोलॉजी हो गई, ये नोड मेरा टी कनेक्ट से, यहाँ से फिर मैं एक और टी कनेक्ट से इधर डिवाइस ले रहा हूँ, ये फिर वही सेंट्रलाइज डिवाइस, इससे नोड, यहाँ मैंने एक और टी नोड से लिया, यहाँ मुझे क्या करना है, एक नोड लिया, इस नोड को मैंने आपस में दूसरे नोड से कनेक्ट कर दिया, तीसरे नोड से, तो ये हमारी एक रिंग टॉपोलॉजी बनती है, वही N1 N2 N3। अगर हम यहाँ बात करें तो N1 N2 N3 और N4। तो इस तरीके से ये जो टॉपोलॉजी दिख रही है, देखिए आपने ये जो बीच में ट्रंक है, इस ट्रंक को वाली टॉपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, बस टॉपोलॉजी। यह हमारी स्टार टॉपोलॉजी है, सेंट्रलाइज डिवाइस के साथ हमने कम्युनिकेट किया हुआ है। यह हमारा फिर एक और अनदर सेंट्रलाइज डिवाइस के साथ कम्युनिकेट है। ये हमारी रिंग टॉपोलॉजी है जो कि एक वर्क कर रही है। तो इस तरीके की जो टॉपोलॉजी, यानी एक से ज़्यादा अगर टॉपोलॉजीज को हम बात करें, अगर हम मर्ज कर देते हैं तो वो हमारी कहलाती है हाइब्रिड टॉपोलॉजी। क्लियर दोस्तों? तो आई होप कि आपको सारी टॉपोलॉजीज हमारी समझ में आई होंगी। एक बार अगर आप चाहें तो हम फिर से रिपीटेशन में डाल देते हैं किस तरीके से हमारी टॉपोलॉजी बात करते हैं। सबसे पहले हमने मैश की बात की थी। मैश टॉपोलॉजी में हम काफ़ी सारे ज़्यादा वायरिंग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन एक सिक्योर है क्योंकि हर एक एलिमेंट, हर पीसी दूसरे पीसी के साथ एक डेडिकेटेड लाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन अगर हम बहुत बड़े नेटवर्क पे अगर इसको यूज करना चाहें तो इसको टॉपोलॉजी को हम, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये कि हम इसको लार्ज स्केल पे या लार्ज नेटवर्क में यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर हम राउटर का यूज करते हैं बहुत ज़्यादा मैश टॉपोलॉजी के अंदर। बस टॉपोलॉजी की बात करें तो बस टॉपोलॉजी की जो कॉस्टिंग होती है वह काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसमें एक ट्रंक के थ्रू हम काफ़ी सारे नोड्स को टी कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें, क्योंकि बस टॉपोलॉजी सिक्योर नहीं होती, इसके बाद आते हैं हम रिंग टॉपोलॉजी पर। रिंग टॉपोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिंग टॉपोलॉजी के अंदर हमारे क्या है, एक MSAU यूनिट होती है, मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, जो हर किसी नोड को एक इंडिविजुअल टोकन प्रोवाइड कराती है, और जब हर नोड को अपनी बारी आने का वेट करना पड़ता है, जब तक उसके पास टोकन नहीं होगा, उसके पास कोई एक्सेस, किसी भी तरीके का एक्सेस नहीं होगा, ना कुछ कहने का, ना कुछ रिसीव करने का, मतलब वो कोई मैसेज पास नहीं कर सकता।
रिंग टॉपोलॉजी के अंदर, तो उसको जब जैसे ही उसके पास टोकन आता है वो उसको एक्सेस बोलने का मिल जाता है। तो ये टॉपोलॉजी हमारी रिंग टॉपोलॉजी है। उसके बाद हमारी सबसे वाइडली यूज टॉपोलॉजी स्टार टॉपोलॉजी आती है, क्योंकि स्टार टॉपोलॉजी में एक सेंट्रलाइज डिवाइस होता है, वो काफ़ी सारे नोड्स है, और उस टॉपोलॉजी के अंदर इजी गोइंग हम किसी भी डिवाइस को डिसकनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी न्यू डिवाइस को एड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हमने बात करी ट्री टॉपोलॉजी की, जो कि कॉम्बिनेशन है स्टार प्लस बस टॉपोलॉजी का, और लास्ट वन हमने बात करी हाइब्रिड टॉपोलॉजी को। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और हमारे बेल आइकन को क्लिक करके आप जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आपको हमारे मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।